हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, नीट 2020 की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 13 सितंबर को होना है। और इस एग्ज़ाम में अगर अभी से आप देखें तो करीब 20-22 दिन का टाइम आपके पास में। इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है इसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। ये स्ट्रेटेजी मैं 2 दिन पहले ही बता सकता था जब नीट की डेट का अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन उस समय मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस समय बहुत सारी स्ट्रेटेजी मार्केट में रिलीज हो चुकी थी, आप जानते होंगे, है ना। और वो स्ट्रेटेजी अनरियलिस्टिक है, मतलब आप उन्हें फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी आपको ये बताती हैं कि 20 दिन में कैसे आप 400 से 600 पहुँच सकते हैं या 300 से 700 नंबर आप ला सकते हैं, जो कि इन 20 दिनों में तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपने साल भर अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ जिसके द्वारा अगले 20 दिन को आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। 50% क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी के आते हैं। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं, कम टाइम में आप इनको कवर कर सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसको करने में आपके लिए टाइम भी बच जाता है। तो इस हिसाब से अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो 360 नंबर में से 300 से 330 340 नंबर ईजिली आप गेन कर सकते हैं। अगर आप केवल एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं तब भी 300 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एनसीईआरटी की लाइन जो बातें हैं वो लाइन टू लाइन आपको आनी चाहिए। आप इनको सही तरीके से अगर एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं, क्रैश कोर्स मैंने अपलोड किए हैं उनको आपने सही तरीके से पढ़ा है, तो फिर आपके लिए बायोलॉजी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और करीब 30,000 क्वेश्चन अभी तक बायोलॉजी के मैंने आपको करा भी दिए हैं। तो फिलहाल आपको क्या करना है, या तो आप खुद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की अपने रूम पे, आप खुद एनसीईआरटी की पढ़ाई करिए, या फिर आप ये काम कर सकते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो 3 सेशन अभी हो रहे हैं। एक सेशन मैं ले रहा हूँ, 2 सेशन मेरे हो रहे हैं। एक सुबह 7:30 बजे कल होगा और ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। संडे को कुछ मैराथन के लिए हम प्लान करेंगे। एक 7:30 बजे सेशन होगा और एक 8:30 बजे सेशन होता है। 7:30 बजे वाले सेशन में हम क्या करते हैं कि एनटीए का एक मॉक टेस्ट मैं रैंडमली आपको कराता हूँ, उसके 90 क्वेश्चन, और वो भी 40-45-50 मिनट में। अगर आप ये क्वेश्चन खुद इससे कम टाइम में कर सकते तो आप खुद करिए, कोई ज़रूरत नहीं इसको करने की। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो मेरे साथ आप लाइव सेशन में इसे कर सकते हैं, आप आंसर भी कर सकते हैं साथ साथ में, है ना, आपको करेक्ट आंसर पता भी चल जाएगा। दूसरा जो 9:30 बजे सेशन बेटा मैंने रखा है, तुरंत मतलब 5 मिनट के बाद ये दूसरा सेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करीब अब नीट के मैं आपको कराऊंगा, AIPMT के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें 90 या 100 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला के करीब मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 200 क्वेश्चन आपको मैं 1.5 घंटे के से कम टाइम में करा दूंगा। फिर एक अमृता मैम की क्लास होती है दोपहर में 3 बजे, और ये जो 3 बजे वाली क्लास होती है उसमें उन्होंने आज 150 क्वेश्चन कराए थे, हो सकता है आगे वो 200 क्वेश्चन भी कराए। तो मान लेते हैं कि एवरेज अगर हम 35 क्वेश्चन का भी यहाँ पर मान लें, 350 क्वेश्चन अगर हम मान लें, तो 350 क्वेश्चन के हिसाब से अगले 35 दिन, अगले अगर 20 दिन की हम बात करते हैं तो करीब 7,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। बीच में अगर 3 मैराथन हम ले लें, 1,000 क्वेश्चन की या 500 क्वेश्चन की, तो इससे आपका बल्क मतलब अभी भी आप 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। अगर हमारे साथ आप 3-4 घंटे जुड़ते हैं तो इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। वैसे ही जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़िए ही, मतलब आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। मतलब बहुत बच्चे भी कमेंट करके इसमें बताएंगे, ज्ञान देंगे, तो ज्ञान देने वाले लोग थोड़ा सा दूर ही रहेंगे, है ना, वो ज्ञान देंगे कि अब बच्चों को पढ़ाई करने, तो मैंने कोई रोक थोड़ी रखा है बच्चों को पढ़ाई करने से। बच्चे आप चाहें तो पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चे चाहें तो आके देख सकते हैं। मैं उसे घर से बुलाने तो नहीं चाहता हूँ कि चलो 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 उठो और चलो क्लास करनी है ना। मैं एक मैसेज कर देता हूँ कि भाई ये क्लास है और आप आना चाहें तो आए, आए आए 2 मिनट देखा नहीं मन किया तो आप चले गए वापस, है ना। इसमें कोई ऑनलाइन प्रोग्राम है कोई, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसलिए जो अपना ज्ञान देना चाहते हैं वो अपना ज्ञान अपने घर पे बांटें, है ना, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने भाई बहन को, अपने मम्मी पापा को ज्ञान दें। यहाँ पर ज्ञान बांटने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ बच्चों की भलाई के लिए दे रहा हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, मार्केट में और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो रातों रात आपको 400 से 700 तक पहुंचा सकती है, तो आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, है ना। वो आपको क्या बताएंगे कि सही तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो केवल स्ट्रेटजी बताएंगे, वो आपको काम करके नहीं दिखाएंगे कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो कराते हैं। मैंने 30,000 क्वेश्चन पिछले 4 महीने में आपको कराए, एक एक वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग तो स्ट्रेटजी बताते हैं यूट्यूब पर, वही वीडियो ज़्यादा चलती, पढ़ाई लिखाई वाली ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनको मतलब नहीं, उनको स्ट्रेटजी बताइए कि कैसे रातों रात आप नीट में सेलेक्ट हो जाएं। और ऐसी स्ट्रेटजी आएंगी, अभी आप रुके रहिए, अभी 20 दिन की चल रही है स्ट्रेटजी, अभी
15 दिन की आएंगी, 10 दिन की आएंगी, 5 दिन की आएंगी, हफ्ते भर की आएगी, फिर 2 दिन की आएगी, फिर 2 घंटे में आप में नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो साल भर क्यों पढ़ाई करते हो, ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो आप। तो मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, कितने क्वेश्चन हम करा देंगे, और ये डेली बेसिस पर हम कर भी रहे हैं। आज भी मैंने आपको 2 सेशन में क्वेश्चन कराए थे। तो ये मैंने 3 बातें आपको बता दी, बायोलॉजी की क्लास 7:30 बजे सुबह, दूसरी 8:30 बजे सुबह, और एक दोपहर में 3 बजे। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज़ केमिस्ट्री, जो कि सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो फिजिक्स का डिफिकल्टी होता है वो आपके लिए थोड़ा सा हायर होता है, इसलिए केमिस्ट्री आपका सेकेंड फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो अब इसमें अनुराग सर ने आज से क्या किया है कि शाम को 5 बजे अनुराग सर की क्लास होती है, और इसमें वो क्या करें, चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको पिक करके आपको करा रहे हैं। आज उन्होंने 40 क्वेश्चन कराए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, कल वो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो अब जो केमिस्ट्री है बेटा, इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो आपको करा रहे हैं, 40-50 जो भी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन AIEEE हो गया, IIT हो गया, नीट हो गया, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और ज़्यादातर क्वेश्चन नए नहीं आते बेटा नीट में, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो रिवाइज्ड, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वही फिर से पूछे जाते हैं। तो पहले तो ये जरूरी है कि आप जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं उनको आप कवर करो, फिर कुछ नया करने की कोशिश करो। वैसे इस समय कुछ नया करने की जरूरत नहीं, इस समय जो आपने साल भर में पढ़ा है उसको आप सही तरीके से रिवाइज कर लें, उसको आप कलेक्ट कर पाएं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ बहुत नया करने की जरूरत नहीं, जो मैंने पिछले 4 महीने बायो में आपको पढ़ा है वो आप कवर करिए, अनुराग सर ने जो आपको केमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ाई उनको आप करिए, और क्वेश्चन भी कराएंगे। फिजिक्स के लिए भी वो प्लान कर रहे हैं कि फिजिक्स में भी यही काम किया जाए। हर चैप्टर के जो भी 15, 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जिनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, वो आपको करा दें। आपको अपने लेवल पे क्या करना होगा, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी, जिन टॉपिक में आपको लगता है कि आपसे कन्फ्यूज़न होता है, आपसे क्वेश्चन गलत होते हैं, उन टॉपिक को आप थोड़ा सा रिवाइज करिए। फॉर्मूले आप जरूर करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हमेशा से कहता रहूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस समय बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आप जो पढ़ चुके उसको रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चाहें तो हमारे साथ कर लीजिए, या फिर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहें तो आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो ये 4 सेशन फिलहाल चल रहे हैं, सुबह 7:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, दोपहर में 3 बजे, और शाम को 5 बजे। जल्दी ही 1-2 दिन में हम फिजिक्स के सेशन को अनाउंस करेंगे, और उस फिजिक्स वाले सेशन में बेटा जितने भी प्रीवियस ईयर के बढ़िया क्वेश्चन हैं वो अनुराग सर चैप्टर वाइज आपको करा देंगे। बाकी आप प्रीमियम के बारे में जानते हैं, प्रीमियम में लगातार आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं करा रहा हूँ, और वो लगातार आपका चलता रहेगा आपके 38 चैप्टर पूरे होने तक। NCERT के जो करेक्शन है बायोलॉजी में, उसकी एक वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जितने भी 38 चैप्टर में करेक्शन है एक पूरी वीडियो में बना के अपलोड कर दूंगा, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें करीब करीब 500 ऐसे चेंजेज हैं जो NCERT ने किए, और अगर आपने एक भी बात गलत याद कर ली और वो पॉइंट एग्जाम में पूछा गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, जल्दी उस वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। तो किसी भी गलतफहमी में ना रहें आप कि रातों रात पढ़ के और आप 200 से 700 नंबर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बातों में कहना इसको आसान है कि आप ऐसा कर सकते हैं, थंबनेल बनाना इसका आसान है, लेकिन अगर हम रियली बात करें तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है। वरना बच्चे देखिए, बहुत सारे बच्चे 10th पास करने के बाद फाउंडेशन करते हैं, 2 साल पढ़ाई करते हैं तब सिलेक्शन होता है, 2-3 साल ड्रॉप करते हैं बच्चे, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो अगर ये रातों रात या महीने भर में सिलेक्शन होने लगता या महीने भर में इतना स्कोर होने लगता तो फिर कोई पढ़ाई क्यों करता, कोई कोचिंग क्यों करता, सब इनकी वीडियोस देखते और सिलेक्शन ले लेते। तो मतलब मुझे गुस्सा तो बहुत आती है इनकी वीडियोस देख के कि किस तरीके से, और इनका काम केवल स्ट्रेटजी बनाना है, स्ट्रेटजी बताना है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। इनके चैनल पर आप जाएंगे एक भी क्लास आपको नहीं मिलेगी जिसमें पढ़ाई इन्होंने कराई, ये केवल स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं। मैं भी बना रहा हूँ स्ट्रेटजी, बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये काम करवा रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कराने वाला हूँ, आपको क्या करना है, ये कुछ बातें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और ये रियलिस्टिक है जो हम कर सकते हैं, बस उतनी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये प्रॉमिस नहीं किया कि आप इसको देखने के बाद, इस वीडियो को 5 मिनट देखने के बाद और 700 नंबर कर लेंगे, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, है ना। तो जो रियलिस्टिक है वही बातें मैं कर रहा हूँ, जो जिन बातों में सत्यता है केवल उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, केवल क्वेरी पूछनी, ज्ञान नहीं बांटना, ठीक है। ज्ञान मुझे भी बहुत है, तुम्हें भी बहुत होगा, अपना ज्ञान अपने पास रखो या अपने चैनल पे बांटना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, और नीट 2020 के लिए 13 अगस्त के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, है ना। आप अच्छी तरीके से तैयारी करें, अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है
है ना, अभी हमारे पास इतना टाइम है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है और हम काफ़ी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। क्योंकि बायो में मैंने आपसे कहा कि 10,000 क्वेश्चन अभी भी आपको मैं करा सकता हूँ, और इन 10,000 क्वेश्चन में लगभग वो हर क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो आपके नीट में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम उसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। अमृता मैम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और एनटीए मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? या तो एनसीईआरटी से बनेगा, या प्रीवियस ईयर से आएगा, या एनटीए जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उन्हीं से आएगा। और एनटीए के मॉक टेस्ट क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी वहाँ पर फ्रेम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी होता है। अनुराग सर भी वही कराएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं भी वही करा रहा हूं, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेंगे तो नीट में आपके सिलेक्शन की संभावना काफी बढ़ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक।